हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी मैं भी एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमें एग्जाम पर कलम से कराते हैं एस एस सी एच एस एल जो कल 20 तारीख आपकी शिफ्ट थी 20 से 29 तक वो सब कैंसिल हो चुकी है और उसका डेट बाद में आएगी परंतु ये समय आपके पास दो है ये समय आपको दो चीज़ें बताता है पहली चीज या तो आप लगातार लगे रहो लगातार लगे रहो या फिर आप छोड़ो और मस्त इंतजार करो अपने समय आने का यह निराशा का है यह निराशा है यहां होप है आशा है और याद रखिएगा जहां होप और आशा होती है वहीं अंत में जीत भी होती है और जहां निराशा होती है वहां हार निश्चित होती है तय होती है तुम जरा भी मत थकना तुम जरा भी मत घबराना तुम तो अब और ज्यादा मेहनत और ज्यादा जी जान से तैयारी कीजिए कोई फालतू तो नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए सब कुछ अच्छा होगा एक दिन ताकतवर पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण और अथा मेहनत क्वेश्चन है कुछ स्पेशल ध्यान देना हिंदी इंग्लिश दोनों में विद एक्सप्लेनेशन है आप पे आती है ठीक है नहीं आते एक्सप्लेनेशन सुनना इस बार जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कल के भी आए थे हॉकी वॉकी के और भी कई सारे क्वेश्चन कल जो रात कराए थे वो आज के पेपर में थे एक और बात सुनिएगा अब जब ये सब जो आज तुम कर रहे हो जो फैथोमीटर वगैरह होते हैं अब की बार जो पढ़ाई होगी और थोड़ा सा डीप जाके इनके प्रिंसिपल कि किस सिद्धांत पर ये काम करते हैं जैसे हर एक टूल हर एक यंत्र का अपना एक प्रिंसिपल होता है अपना एक आदर्श अपना एक सिद्धांत होता है आविष्कारक उसके बारे में और बहुत सारी चीजें दिखने में कैसा होता है इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे इस बार फाइनली तैयारी बहुत ही ठोक कर होगी ऐसी होगी कि किताब तो छोड़िए दस किताब भी कोई इकट्ठे कर दे बीस चैनल दो सौ चैनल इकट्ठा कर दे लेकिन तुमसे ज्यादा उस चीज के बारे में जानकारी और वो एग्जाम की तैयारी वाली जानकारी किसी के पास नहीं होगी पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है बहुत सारी ऐप आजकल फ्री हो गई हैं आप घूम के आइए वही फिज पांच चीजें फिजिक्स के हर एक चैप्टर में केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में बायो के चैप्टरों की मुख्य मुख्य चीजें ज्योग्राफी की मेन मेन आपको पॉलिटी की मेन मेन हिस्ट्री की मेन मेन सिर्फ वहां पर मेन मेन चल रही है लेकिन अब ये सब पेपर में नहीं आ रहा यकीन ना हो तो सीजीएल के आंसर की आ चुकी है कई वेबसाइट पर अपलोड है उठा के देख लो यकीन ना हो तो सी एच एस एल की आ जाएगी तब देख लेना और सीपीओ की भी देख लेना और टीसीएस हर एक जगह एग्जाम करा रही है पेपर का पैटर्न जीएस का बिल्कुल बदल चुका है अभी भी आपकी आंखें ना खुलें फ्री फिरी दुनिया में इधर उधर घूम के आइए पूरा अच्छे से किताबों को चाट जाइए दस पंद्रह को तब आज जाके पेपर दे देना लेकिन तुम आओगे और बताओगे कि इस बार सच में चेंज हुआ है पच्चीस में से दस बारह आप कर लो अलग बात है पच्चीस में से बाईस तेईस करने के लिए आपको स्टेटिक करंट और जो अलग अलग चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं एग्जामपुर में चाहे वो जी, स्टेटिक जीके की क्लास हो या और वो बहुत हेल्प करेंगी चलिए बाकी ये सब सामने की हाथ हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिख, पढ़े लिखे को फारसी क्या तो सारी की सारी दिसंबर में सी हुआ है फरवरी अभी मार्च में सी और अब सी एच जब आंसर की दोनों की आ चुकी है सी जी की देखना मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मुझे बताना चाहिए ये मेरी ड्यूटी मेरा कर्तव्य है चलिए सागर की गहराई मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है विच ऑफ दूज टू मीजर द डेप्थ ऑफ द ओशन तो जो ओडोमीटर होता है ये बताता है कि आपने कितना रास्ता तय किया जो मैनोमीटर होता है ये गैस ने कितना प्रेशर जैसे आपके यहाँ पर सिलेंडर है गैस सिलेंडर उसमें एलपीजी का कितना प्रेशर है ये मैनोमीटर बताता है फैथोमीटर क्या होता है फैथोमीटर यह ये क्या मापता है ये सागर की गहराई मापता है ओशन के डेप्थ मापता है यह भी वाटर प्रेशर पे काम करता है कि हर मीटर पर कितना वाटर प्रेशर बढ़ता जाता है तो उसी को रिलेटिविटी से मेजर कर लेता है बाकी एनिमोमीटर जो होता है ये हवा की जो हवा होती है उसकी गति मापता है तो यहां पे मैंने लिख रखा है कि महासागर की मापने महासागर की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसका फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है गैस के दबाव को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो कि 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ इसके द्वारा लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर राज्य को दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया एक जम्मू कश्मीर जिसके साथ विधानसभा भी और एक लद्दाख जो सिर्फ यूनियन टेरिटरी जिसकी कोई विधानसभा नहीं लद्दाख के अंदर दो राजधानी एक कारगिल और एक लेह और दो ही इसके अंदर जिले कारगिल और लेह तो वही है तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया लद्दाख के जम्मू कश्मीर के तो जी सी मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू बने और इसके बने आर के माथुर कौन बने बच्चा आर के माथुर जबकि ब्रिगेडियर बीडी डी मिश्रा ये अरुणाचल प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन ये आंध्रा के हैं जबकि आचार्य देवव्रत ये गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत ये गुजरात के लद्दाख के पहले उपराज्यपाल आर के माथुर पूर्व रक्षा सचिव रह चुके द्रौपदी मुर्मू ये द्रौपदी मुर्मू ये गलत हो गया यहां पे गिरीश चंद्र मुर्मू ग्रीस चंद्र मुर्मू ग्रीस चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के द्रौपदी मुर्मू तो झारखंड की है द्रौपदी मुर्मू झारखंड की है वो मुर्मू से टाइपिंग वाला इसमें कन्फ्यूज हो गए होंगे ये झारखंड की है कहाँ की है झारखंड की है बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश विश्वभूषण हरिचंदर आंध्र प्रदेश जबकि आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी पार्क जो अब एक गोल्फ कोर्स में परिवर्तित हो गया है जो अब एक गोल्फ कोर्स में परिवर्तित हो गया है ये क्या हुआ वट इज दिस हाउ कैन आई मूव फॉरवर्ड मूव बैकवर्ड तो किसमें कन्वर्ट हो गया है वही आपको बताना है तो सलीम अली नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क कह रखा है एक सेकंड देना बच्चा आपसे कह रखा है भाई ये किस कहां पर है लद्दाख में है श्रीनगर में है गुलमर्ग में है सोनमर्ग में तो याद रखिएगा ये श्रीनगर में है ये किसमें श्रीनगर सलीम अली नेशनल पार्क जैसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये पार्क जो है इसे रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है गुलमर्ग को फूलों का मैदान कहते हैं सोनमर्ग को सोने का मैदान कहते हैं लद्दाख की रीढ़ सिंधु नदी को कहा जाता है लद्दाख की रीढ़ सिंधु नदी को कहा जाता है आपको यह बताने कि गुलमर्ग या सोनमर्ग में से के, के इंडिया के इंडिया के फर्स्ट माउंटेन गेम्स हुए हैं इंडिया के फर्स्ट माउंटेन गेम्स क्या हुए बच्चा इंडिया के पहले विंटर गेम्स भी आप इन्हें कह सकते हो क्या कह सकते हो विंटर गेम्स भी आप इन्हें कह सकते हो विंटर गेम्स भी आप इन्हें कह सकते हो बताइए कि जो ये आइस गेम्स होते हैं ये कहां पर आयोजित हुए है? इंडिया के बिल्कुल सही बिल्कुल सही खेलो इंडिया और ये जीत इसमें हॉकी में ये जीता क्या नाम है लद्दाख स्काउट कौन जीते लद्दाख स्काउट लद्दाख स्काउट फूलों का मैदान गुल का मतलब फूल होता है गुल का मतलब क्या होता है बच्चा फूल होता है गुल का मतलब फूल होता है और सोन का मतलब मर्ग, चलिए आगे आ जाता है रॉयल गोल्फ कोर्स भारत से अलग पाकिस्तान के गठन की मांग पहली बार कब की गई थी भारत से अलग करके पाकिस्तान के गठन की मांग पहली बार कब की गई थी तो देखिए उन्नीस सौ यहां तो कोई मतलब नहीं बनता हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस इसमें एक और चीज है इसमें एक और चीज है यहाँ पर आपसे मुस्लिम लीग की बात नहीं हो रही यहां से आपसे मुस्लिम लीग की बात नहीं हो रही कि मुस्लिम लीग के किस सेशन में यहाँ पे कांग्रेस के सेशन की बात हो रही है क्वेश्चन पर ध्यान देना उन्नीस सौ में सुभाष चंद्र बोस साहब सुभाष चंद्र बोस साहब जबकि हरिपुरा में और यहां पर त्रिपुरी हरिपुरी हरिपुरा और त्रिपुरी हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन में ये त्रिपुरी उन्नीस सौ अड़तीस में तो कोई हुआ ही नहीं था फैजपुर 1936 में था जबकि मेरठ उन्नीस तो ये जो लाहौर सेशन है क्या है लाहौर सेशन अब इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी इन्होंने इसमें कुछ क्वेश्चनों में टाइपिंग में मिस्टेक हुई है याद रखिएगा यह मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन था कांग्रेस का नहीं था मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन यहाँ पे कांग्रेस की जगह मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन था मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन इसी में मांग की गई थी 1946 में 16 अगस्त को 16 अगस्त 1946 इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था डायरेक्ट एक्शन डे मारकाट दंगे शुरू कर दिए थे मुस्लिम लीग ने दंगे शुरू कर दिए थे मुस्लिम लीग ने आगे जाता है जबकि मेरठ वाला तो आचार्य कृपलानी उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में जो पहला था वो उन्नीस में जयपुर में हुआ था जिसमें पट्टा भी सीता रमैया पट्टा भी सीता रमैया ये 1936 का था फैजपुर जवाहरलाल नेहरू हरिपुरा जिसमें प्लानिंग कमेटी की सेटिंग और उन्नीस त्रिपुरी इस्तीफा देने के बाद में उन्नीस त्रिपुरी स... इस्तीफा देने के बाद में सुभाष चंद्र बोस साहब ने फॉरवर्ड इनकी एक पार्टी थी उसका गठन किया था उसका गठन किया था ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में कहां से एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से एंटर करती है कुछ दिनों पहले भी क्वेश्चन आया था ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से एंटर करती है तो देखिए जो यंग यप पार्स है कौन सा दर्रा यंग यप दर्रा यहां से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर ऐसे आती है और यू टर्न लेके भारत में यहां पे नामचा बरवा पर्वत है कौन सा पर्वत है नामचा बरवा पर्वत और ये भारत में एंटर लेती है यार ये क्यों चल रहा बोल बोलकर ना यंग पास पास तो जो पास जो है वो मणिपुर में है जबकि दीफू पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा पर है नीति पास उत्तराखंड में है आ गया जाता है हाल ही में कुछ दिनों में कुछ दिनों पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने किताब लॉन्च की जिसको बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा है जो किसके बारे में है जो किसके बारे में है सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखित एक पुस्तक जारी की है जो देश के आर्थिक विकास को पिछले कुछ वर्षों में ट्रैक करती है और भविष्य के विकास के लिए समाधान पेश करती है समाधान पेश करती है तो याद रखिएगा रीसेट नाम की किताब है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखी है कौन सी किताब है रीसेट नाम की किताब है जबकि रीसेट नाम की किताब है कौन सी किताब है रीसेट नाम की किताब है जबकि इंडिया अनबाउंड इंडिया अनबाउंड को गुरुचरण दास जी ने लिखा है किसने लिखा गुरुचरण दास चैलेंज और स्ट्रेटेजी राजीव सीकरी जी ने लिखी है चैलेंज और स्ट्रेटेजी जबकि इसने को बेलिंडा बाउर ने लिखा किसने लिखा है बेलिंडा बाउर विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सारंगी प्लेयर इनमें से कौन है जो सारंगी बजाता है सारंगी वादक कौन है सारंगी वादक कौन है तो जो जुबिन मेहता है वो पश्चिम और पूर्वी क्लासिकल म्यूजिकर जबकि उस्ताद बुंदू खान ये सारंगी के सबसे बेहतरीन और बीसवीं सदी के पहले शुरुआत के बहुत ही शानदार सारंगी प्लेयर थे विलायत खान ये सितार प्लेयर है जबकि शिव कुमार शर्मा ये जम्मू कश्मीर से संतूर बजाते क्या बजाते हैं संतूर बजाते हैं फिर से बता देता हूँ विलायत खान सितार शिव कुमार शर्मा संतूर जुबिन मेहता पश्चिमी और पूर्वी शास्त्रीय संगीत जबकि उस्ताद मुंडू खान यह सबसे उत्कृष्ट सारंगी प्लेयर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस Is not by कोई कर रहा है ऐसे वो करती नहीं है बेटी। एक बार देख के आ रहा हूं भाई रुकना हो, होल्ड करना भी आ रहा हूं इसका आंसर बताना आ रहा हूं मैं पापा आऊ ना यार मुझसे रुका नहीं जा रहा हूं उसकी सुन के आ रहा हूँ थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन वो अब शांत यार वो परेशान कर देती है वो बाहर किसी ने बांध दी उसको अंदर रख के आया और उसे कोई दिख नहीं रहा था उसे लगा सब कोरोना से डर के भाग गई वो अकेली रह गई इसलिए वो चला रही थी हेलमिंथिस हेलमिंथिस ऐसे कीटाणु से होते हैं जो हमारे पेट में रहते हैं दूसरों पर डिपेंड और ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं अगर देखा जाए जैसे मलेरिया फिलेरेसिस ट्यूबर क्लोसिस इस तरह के तो कह रहा है कौन सी बीमारी इनमें से कौन सी बीमारी के कारण नहीं होती पैरासाइट्स के कारण नहीं होती तो याद रखिए टाइफाइड जैसे तो ये जो होती है ये टाइफाइड ये साल मुनेला टाइफी किसके कारण होती है साल मुनेला टाइफी के कारण होती है साल मुनेला टाइफी के कारण होती है किसके कारण होती है साल मुनेला टाइफी के कारण होती है इनमें से कौन सा प्राइज वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है आज मैंने क्वेश्चन पढ़े नहीं नहीं एक भी बार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है तो आप सभी जानते हैं प्राइज Dakar, कौन सा प्राइज प्रिस्कर प्राइज ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है इस बार दो महिलाओं को मिला है जबकि भटनागर साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में जबकि पुलितजर प्राइज यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में और धनवंतरी प्राइज यह मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है किसके क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में चलिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला क्षेत्रवा देश बनाए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला क्षेत्रवां देश बनाए तो ये जो पलाऊ है कौन सा देश है पलाऊ ये क्षेत्रवां देश बनाए कौन सा बनाए क्षेत्रवां क्षेत्रवा देश बनाए चलिए बच्चा छेत्रवा बिल्कुल से याद रखिएगा अफगानिस्तान पंजशीर वैली और बामियान बुद्धा के लिए फेमस है और यहां का जो खेल है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल वो बुज काशी अर्थात हॉर्स राइडिंग है बुज काशी या हॉर्स राइडिंग है नॉर्वे आधी रात के सूरज की भूमि है वर्ल्ड बैंक में शामिल होने वाला नोरू एक सौ नवासीवा देश दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र है चलिए इनमें से कौन पर्सन या पर्सन नोबल अवार्ड जीता है इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक्स अरे यार आज तो ही कर दिया अर्थशास्त्र का नोबल प्राइज अर्थशास्त्र का प्राइज 2019 किसने जीता अर्थशास्त्र का नोबल प्राइज तो ए और बी दोनों ने जीता है अभिजीत बनर्जी व एस्तर डफलो अभिजीत बनर्जी व एस्तर डुपलो जबकि पीस शांति का इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अभी अहमद अली लिटरेचर 2019 पीटर हेंड के 2018 का ओल्गा टोकार्स जबकि मेडिसिन का विलियम जे काइलिन ग्रेग जे एल सेमेंजा और पीटर जे रेडक्लिफ को किसका मिला है मेडिसिन का मिला है लॉरेंज कर्व वे गिनी कॉफिशियंट वे गिनी कॉफिशियंट ये किससे संबंधित है लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक ये किससे संबंधित हो याद रखिएगा इन इक्विलिटी ऑफ इनकम अर्थात जो हमारी आय में असमानता होती है क्या होती है आय में असमानता का वितरण लॉरेंज वक्र देखिए आय का वितरण इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लॉरेंज वक्र और असमानता किसकी ज्यादा किसकी कम है यह गिनी गुणांक ये गिनी गुणांक या गिनी कॉफिशियंट के माध्यम से गिनी कॉफिशियंट के माध्यम से विधान परिषदों को समाप्त करने या बनाने की जो शक्ति है वो राज्यों के प्रस्ताव पर संसद के द्वारा किया जाता है अर्थात विधान परिषदों को समाप्त करना या बनाना संसद के पास है राज्य सिर्फ इसके लिए प्रस्ताव दे सकते हैं हाल ही में आपको याद होगा आंध्र प्रदेश ने अपनी जो विधान परिषद है उसको एंड करने का प्रस्ताव उनकी विधानसभा से पास हुआ लेकिन विधान परिषद से पास नहीं हो पाया किस आर्टिकल से संबंधित है तो आर्टिकल वन सिक्सटी नाइन यह पार्लियामेंट को ऐसा करने की शक्ति देता है ऐसा करने की शक्ति देता है एक सौ बारह से बजट तीन सौ छब्बीस से आपको मिलता है वोट देने का अधिकार तीन राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज तीन ऑल इंडिया सर्विसेज एक सौ बारह वित्तीय विवरण जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं बजट कहते हैं तीन सौ छब्बीस संविधान संशोधन उन्नीस सौ नवासी से जो उम्र थी मतदान करने की वोट देने की वो इक्कीस से अठारह वर्ष कर दी गई अबंडन डेल्टा अर्थात एक ऐसा डेल्टा डेल्टा क्या होता है वो स्थान जहां नदी बहुत सारे रेत के टीले आने से जो नदी की एक धारा होती है वो कई धाराओं में बढ़ जाती है लेकिन जब नदी अपना रास्ता बदल देती है तो इसे अबेंडन डेल्टा कहते हैं छुटा हुआ डेल्टा कहते हैं तो कौन सी नदी ऐसा डेल्टा बनाती है मिसिस्पी नील हेलमंड या ब्रह्मपुत्र नदी तो याद रखिए याद रखिएगा जो मिसिस्पी रिवर होती है कौन सी रिवर होती है मिसिस्पी रिवर इसमें इसका अबेंडन डेल्टा होता है कौन सा डेल्टा होता है अबेंडन डेल्टा अबेंडन डेल्टा नील नदी दुनिया की सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर भूपेन हजारी का सेतु भारत का सबसे लंबा सेतु अफगानिस्तान में हेलमंद नदी सबसे लंबी नदी है मैं आपको पड़ोसी देशों के बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते चल रहा हूं अफगानिस्तान में हेलमंद नदी सबसे लंबी नदी है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सिरोको क्या है नोट्स उठा के देखो पता चल जाएगा ज्योग्राफी के एनटीपीसी सिरोको क्या है तो सिरोको एक हॉट विंड होती है क्या होती है एक गर्म हवा होती है सिरोको एक गर्म हवा होती है क्या होती है गर्म हवा यह नॉर्थ अफ्रीका से मेडिटेरियन सी की तरफ चलती है चिनूक यूएस में डॉक्टर विंड जिसे हर मट्टन भी कहते हैं सहारा रेगिस्तान में और फोन जो होती है यह कूल विंड होती है कोल्ड विंड होती है यूरोप में सरोको को यह भी कहा जाता है यह अफ्रीका से स्पेन इटली की तरफ चलती है चिनुक यूएस की हवाए डॉक्टर पवन हरमट्टन को कहते हैं फोन यूरोप की होती है क्या रखा इसमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण नहीं है ब्लॉक माउंटेन इस तरीके के एक हिस्सा नीचा एक हिस्सा ऊंचा इस तरीके के फोल्ड माउंटेन होते हैं जैसे अरावली और हिमालय जबकि इस तरीके के ब्लॉक माउंटेन होते हैं तो कह रखा है ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जाम्पल नहीं है तो आप सभी जानते हैं जो आल्प्स पर्वत होते हैं ये फोल्ड माउंटेन होते हैं कैसे होते हैं मुड़े हुए पर्वत बाकी सियारा निवेडा सोल्ट रेंज ब्लैक फॉरेस्ट ये सब कहां पर है अमेरिका में और अलग अलग देशों में है जैसे सोल्ट रेंज पाकिस्तान सियारा नवेडा अमेरिका ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी ये तीनों ब्लॉक माउंटेन होते हैं कैसे होते हैं ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं ब्लॉक माउंटेन वर्ल्ड ओशन साइंस डे ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन साइंस डे कब मनाया जाता है 19 नवंबर 3 मई 27 जून 21 सितंबर तो 27 जून को विश्व महासागर विज्ञान दिवस मनाया जाता है विश्व महासागर विज्ञान दिवस मनाया जाता है बाकी 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2 अक्टूबर को अहिंसा होता है इक्कीस को शांति और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मुद्रा योजना में आर का मतलब क्या है मुद्रा योजना में आर का मतलब क्या होता है मुद्रा योजना में तो आर का मतलब होता है बच्चा रीफाइनेंस माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड एजेंसी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है कह रखा संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य हैं, साउथ सूडान दक्षिणी सूडान इसका लास्ट सदस्य है जबकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनके एक नवासी नवासी सदस्य हैं, यूनिसेफ के एक सौ इक्यानवे और डब्ल्यू एच ओ के एक सौ चौरानवे तो डब्ल्यू एच ओ विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सौ चौरानवे आई एम एफ हो या वर्ल्ड बैंक हो दोनों के एक सौ नवासी नवासी यूनिसेफ के हो जाते एक सौ इक्यानवे यूनिसेफ के हो जाते एक सौ इक्यानवे और यूनाइटेड नेशंस के एक सौ तिरानवे क्या रखे कौन सी एजेंसी मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करती है इनमें से कौन सी एजेंसी मानव पूंजी सूचकांक जारी करती है तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का ही एक हिस्सा होता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक व ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप और डब्लू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो ये अलग अलग देशों के जो एजेंसी है अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में बता रखा है जैसे डब्ल्यू विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जबकि महिला पुरुष में लैंगिक अंतर और प्रतिस्पर्धा सूचकांक ईडब्ल्यूफ e, आईएफ विश्व आर्थिक दृष्टिकोण वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और विश्व बैंक निकालता है विश्व विकास रिपोर्ट के अंतर्गत ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट टेम्पल ऑफ अंकोर वाट इनमें से किस उसके द्वारा बनाया गया था टेंट बारहवीं सदी तेरहवीं सदी ग्यारहवीं सदी दसवीं सदी बारहवीं सदी तेरहवीं सदी ग्यारहवीं सदी दसवीं सदी तो ये कब बनाया गया था तो याद रखिएगा ये बच्चा बारहवीं सेंचुरी कौन सी सेंचुरी ग्यारह बारहवीं सेंचुरी ग्यारह से तीस से ग्यारह सो पचास बीसी के बीच में बीसी कह रहा हूं एडी के बीच में किसके बीच में एडी या ईस्वी के बीच में अंकोर वाट का ये मंदिर है जिसे किंग सूर्य वर्मन किंग सूर्य वर्मन किंग सूर्य वर्मन 1120 से 1150 किंग सूर्य वर्मन विष्णु जी का मंदिर है ये विष्णु जी का मंदिर है कंबोडिया में कहां पर कंबोडिया जागोई ये कहां का शास्त्रीय नृत्य है जागोई कहां का शास्त्रीय नृत्य है जागोई कहां का शास्त्रीय नृत्य है तो लिख लीजिए बच्चा असम का सत्तरिया बिहू ओजा पाली सत्तरिया बिहू ओजापाली उड़ीसा का ओडिसी केरल का कथकली मोहनी अट्टम जबकि जागोई मणिपुर का पवित्र नृत्य है या एक शास्त्रीय नृत्य है जागोई जैसे मणि दिखेगी तुरंत जग जाओगे इन ऑफ फॉलोइंग इन सिडबी कितनी बार आपको सुबह ये क्वेश्चन सिडबी से नाबार्ड ये सब आते हैं सिडबी का गठन कब किया गया था स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है तो याद रखिएगा लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है 1990 में इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम आया था 1973 टाइगर प्रोजेक्ट फर्स्ट डायरेक्टर थे कैलाश सांखला टाइगर प्रोजेक्ट के पहले डायरेक्टर कैलाश संखला साहब रहे हैं जबकि चिपको आंदोलन उन्नीस सौ अस्सी सुंदरलाल बहुगुणा मेरी बात समझ रहे हैं यह अलग अलग समय के बारे में बता रखा है मालदीव के अभी प्रेसिडेंट कौन है मालदीव के राष्ट्रपति कौन है तो इब्राहिम मोहम्मद सोली ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। विन मिंट ये भैया म्यांमार के सेबस्टियन कुरज ये ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट और सन्ना मारिन ये फिनलैंड की यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इब्राहिम मोहम्मद सोली मालदीव के विन मिंट म्यांमार के और सबस्टियन कुरज क्वेश्चन अच्छे हैं देखे नहीं बेशक क्वेश्चन अच्छे हैं ये दुनिया के सबसे कम उम्र के कहां के भैया ऑस्ट्रेलिया और दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री सेन मारिन फिनलैंड की विंग्स इंडिया 2020 ये यह किस सिटी में आया विंग्स इंडिया 2020 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या एग्जीबिशन था हवाई जहाजों से जुड़ा हुआ यह किस शहर में यह किस शहर में विंग्स इंडिया 2020 तो हैदराबाद के बेगमपेट पेट एयरपोर्ट हैदराबाद के बेगम पेट एयरपोर्ट जबकि बायोसंगम यह प्रयागराज हुआ है एपी कॉन यह आगरा में हुआ है और एग्री एशिया यह गुजरात में हुआ है एग्री एशिया यह गुजरात में हुआ है बायोसंगम यह प्रयागराज में हुआ है एपी कॉन यह आगरा में हुआ है क्वेश्चन नंबर 26, थावर चंद गहलोत यह किस मंत्रालय से संबंधित है ए बी सी डी भी आपको आंसर बताने A, B, के मंत्री भी आपको बताने A, B, के मंत्री, ये मानव संसाधन विकास मंत्री है। मानव संसाधन ये मंत्री है। ये भारी उद्योग भारी उद्योग मंत्री है इसके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था तो उनको एक्स्ट्रा एक्ष्ट, चार्ज दिया गया है और यह सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है सामाजिक न्याय राज्यसभा में सरकार के नेता भी हैं। तो ये थे बच्चा 26 क्वेश्चन कोशिश हुई है इसका मैं अभी टेलीग्राम आदि पे डाल दूंगा जिससे कि आप इसे एक बार और पढ़ लो जागो नृत्य मणिपुर का होता है जागो नृत्य कहां का होता है मणिपुर का होता है यहां से ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं कल दोपहर एक बजे कल दोपहर एक बजे एक मोटिवेशन की क्लास आ रही है इस मोटिवेशन में आपको एक चीज है कि आग मतलब जल जाएगी दोबारा से वो ज्वाला आपके अंदर बच्चा इस समय 90 परसेंट बच्चा तैयारी छोड़ देगा कोरोना कोरोना आज तक और NDTV पे बैठ के कोरोना क्या हुआ कोरोना कितनों को हुआ ये देखेगा तुम अपने घर पे क्योंकि हमें आम आदमी हमारे घर का कोई विदेश नहीं गया और ना ही हमारे घर में कोई विदेश से आया जब आपकी विदेशी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है और आप ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आ रहे जो विदेश से आते हैं बाहर कम जाइए भीड़ में कम जाइए अधिकतर सामानों जो भी चीजें हैं अचानक से सामान को मत खरीदना कि आप बहुत सारा आटा सब्जी चीनी दाल ये सब इकट्ठा करके रख लो बिल्कुल नहीं सभी लोगों को कहना है किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं होगी कहीं देश में बहुत ज्यादा आफत आ जाएगी हम लोग इस आपदा से उबर जाएंगे घर में रहिए जो पैसा आप इधर उधर आने जाने में खर्च करते थे उसका दो जी डेटा और बढ़वा लीजिए पैसा बच रहा है ना बाईस मार्च सुबह ग्यारह बजे भयंकर सी कुछ चीज आ रही है उसका वेट करना तो ये जो बच्चे आपका दिल टूट रहा है कि भाई सी एच एस एल भी, भी कैंसिल हो गया इधर कोरोना आ रहा है कहीं कुछ कर भी नहीं सकते तो इससे तुम्हें जरा भी कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा कल एक बजे बेहतरीन सा मोटिवेशन आग लगा देने वाला और अपनी तैयारी को तीन गुना बढ़ा देना अब होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए फिर उसके बाद में उससे बड़ा एग्जाम दूंगा उससे छोटा एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि उसी एग्जाम में जिसमें इस बार पहली बार बैठूंगा आज के बाद में इसमें सफलता हासिल करूंगा यह तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए यह तुम्हारा खुद से वादा होना चाहिए तो देखना मत भूलना और सुबह साढ़े छह बजे करंट अफेयर की क्लास होती है ऑसम सी क्लास तो ऑसम क्लास चाहिए सुबह साढ़े छह बजे जग जाना छह बजे जगना कल का रिवाइज करना मतलब आज का और साढ़े छह से क्लास थैंक यू ऑल द बेस्ट जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर